भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया हुआ है। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको दिल्ली वालों ने बार बार 90% से ज़्यादा सीट देकर जिताया है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के गरीब बच्चों को हाई क्वालिटी शिक्षा देते हैं बिना किसी खर्चे के। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज देते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के काम को तो मैच नहीं कर पाती है। अपने किसी भी राज्य में, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, कहीं पर भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं करके दिखा सकती। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। ये भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में बार बार हुआ है, बार बार इस पर बात उठी है कि तानाशाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब करके उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एम्स का एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। वरना अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, ना अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर मिलता, ना अरविंद केजरीवाल को दवा मिलती। जब अरविंद केजरीवाल जी को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। और जो उनके स्वास्थ्य पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो हमला खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली ट्रायल कोर्ट से, भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट पहुंच गई उस बेल को रुकवाने के लिए। उन्हें पता था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पिछले दिन सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा लिया। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, आज भी उस सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। और जेल में अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे 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 कर कर और खराब होता जा रहा है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ सीरियस हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जिन्होंने उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई की फर्जी गिरफ्तारी करवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। पिछले कुछ हफ्तों में
उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है कई बार। कोई डॉक्टर आपको बताएंगे, और अभी दो डॉक्टर्स यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद भी हैं, वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक शुगर के मरीज को हाई शुगर लेवल से बहुत ज़्यादा खतरा लो शुगर लेवल से होता है। अगर शुगर लेवल 70-60 से नीचे आ जाता है तो कुछ भी उस व्यक्ति को हो सकता है। सोते हुए व्यक्ति लो शुगर लेवल की वजह से कोमा में जा सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उनको सीजर्स हो सकते हैं, उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था, और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 kgs है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर संदीप कुमार, जो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, एमडी हैं, वो जो अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल कंडीशन है और क्यों ये सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डेंजरस है, और क्यों एक अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट के लिए शुगर लेवल का नीचे गिरना डेंजरस है, डॉक्टर संदीप बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप। जैसे भी हम सबको पता है कि केजरीवाल सरकार जो है शुगर लेवल बहुत दिनों में बार बार कम हुआ है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण बेसिकली जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना हो जाता है, और साथ साथ जो है ये तभी होगा या तो हम जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को हम इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर हम उनको शुगर लेवल हमारा बार बार कम होना इंडिकेट करता है कि या तो हम लोग इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से मेजर करके नहीं दे रहे हैं उसको, जो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है वहाँ पर हमको, हम उसी को दे रहे हैं, हम बार बार प्री चेक नहीं करते इंसुलिन देने से पहले कि हमारा शुगर लेवल कितना है, या फिर हम लोग जो प्रॉपर डाइट जानी चाहिए उस तरह से डाइट हम नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हम लोग 1600 किलो कैलोरीज पर डे उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शुगर लेवल पक्का कम होना है डाइट के हिसाब से, और अगर हम लोग इंसुलिन भी ज़्यादा देंगे तो भी हमारा शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है। अब एक पेशेंट जो बहुत दिन से आप उनको डाइट प्रॉपर ना मिले, या फिर आप उनका हेल्थ इश्यूज हैं पहले से, तो उनको जो है सेप्सिस हो जाएगा तो वो बहुत सारा शुगर लेवल कम करेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर उनको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे मैम ने भी बोला कि मेलिग्नेंसी भी हो सकता है शुगर लेवल कम होने का एक, और दूसरा आपका बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शुगर लेवल कम से, जैसे कि रेटिनोपैथी हो सकता है, और मतलब आँखों का धुंधलापन दिखना, कोमा में जा सकता है पेशेंट उसमें हमारा, न्यूरोपैथी हो सकती है, नसों में झंझनाहट, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे। डायबिटीज़ में अगर
कंट्रोल नहीं करा जाएगा शुगर लेवल को, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को ख़राब करेंगे शरीर को। तो हमारा यही कहना है कि हम लोगों को जो है शुगर जो है बेसिकली टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए देने से पहले। और ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मली भी हम लोग जब घर पर होते हैं तो किसी पेशेंट का शुगर लेवल कम होता है या हॉस्पिटल में होता है तो हम बोलते हैं कि एक अटेंडेंट होना चाहिए साथ में, जिससे कि हम लोग बार बार मेजर कर सकें। ऐसे पेशेंटों को हम लोग मल्टीपल एपिसोड्स में शुगर चेक करते हैं, उनका आरबीसी चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से हर एक घंटे में या आधे घंटे एज पर द डॉक्टर एडवाइस। तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम कम हो जाएगा तो वो बहुत सारी कोमा में जा सकता है। तो क्योंकि कोमा में जाएगा तो शुगर लेवल कम हुआ तो ग्लूकोज नहीं पहुँचेगा ब्रेन में, ब्रेन में ग्लूकोज नहीं पहुँचेगा तो फिर पेशेंट को कोमा भी हो सकता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि शुगर लेवल रात के टाइम पे कम हो रहा है तो नींद में शुगर कम होना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर आपका शुगर कोमा मिला सकता है पेशेंट को। अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर निम्मी रस्तोगी भी थोड़ा ये मेडिकल कंडीशन को एक्सप्लेन करें। देखिए, जहाँ तक आम लोग शुगर के कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसके ओवर एंड बियॉन्ड देखते हैं। शुगर वैसे ही बहुत खराब बीमारी है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में अगर ठीक रख रखाव ना हो, डाइट और इंसुलिन और मेडिसिन का ठीक बैलेंस ना हो और साथ में स्ट्रेस भी हो तो इसके बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर शुगर 50 मिलीग्राम परसेंट के नीचे जाता है विद इन मिनट्स, 20 से 30 मिनट में हम पेशेंट को खो सकते हैं। हॉस्पिटल में ये एक इमरजेंसी मानी जाती है, एक तरह का रेड अलार्म होता है अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट आता है। 50 इज अ क्रिटिकल लिमिट, इनफैक्ट 60 इज अ क्रिटिकल लिमिट, उसके बियॉन्ड तो हमको पेशेंट को एडमिट करके उसको ऑब्जर्व करना होता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक नेशनल स्टेचर का लीडर जो समाज के लिए इतना योगदान दे रहा है, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसकी हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। हम डॉक्टर कम्युनिटीज बहुत कंसर्नड है और हमको बहुत शैबी ट्रीटमेंट लग रहा है कि देखिए, कैदी अंदर रहते हैं, लग्जूरियस जिंदगी व्यतीत करते हैं, कुछ तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, और यहाँ एक इतना बड़ा लीडर है उसकी आप बेसिक स्वास्थ्य के ध्यान नहीं रख सकते। आई फॉर वन एम एंग्री। और देखिए, को आप किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा डैमेज कब पहुंचाते हैं, जब आप उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज है। 5 बार रात में बिलो क्रिटिकल लेवल शुगर का गिरना बहुत बहुत खराब बात है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इस तरह की पाथ में अरविंद जी को की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एंड वी अपील टू हूएवर इज अटेंडिंग ऑनरेबल सीएम टू प्लीज टेक बेटर केयर ऑफ हिम। देखिए, ये क्लियर है कि उसका आउटकम तो नहीं इंश्योर हो पा रहा है। अगर एक अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट को, जैसे डॉक्टर निम्मी ने बताया, 5 ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल आ गया जहां पर उनको एक्चुअली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट होना चाहिए, जहां पर उसे डॉक्टर एक रेड अलर्ट इवेंट मानेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कस्टडी के दौरान जो मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत उनको है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। उसका आउटकम तो यही है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर अरविंद केजरीवाल जी को इस झूठे मुकदमे में और दूसरी बार अभी सीबीआई के मुकदमे में अरेस्ट नहीं किया होता, अगर वो अपने घर पर भी होते तो उनके साथ कोई ना कोई फैमिली मेंबर अटेंडेंट के तौर पर मौजूद होता। तो अगर आपका शुगर लेवल इतना नीचे गिरता है कि आपका 50 के नीचे चला गया, आप कोमा में स्लिप कर रहे हैं, ये ऐसी परिस्थिति है कि व्यक्ति अगर अकेले जब सेल में है तो उनको पता भी नहीं चलेगा। कौन देखने आएगा कि अरविंद केजरीवाल का अगर 50 से नीचे शुगर लेवल गिर गया है, वो कोमा में जा रहे हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी बदली है, और आज एक झूठे मुकदमे के तहत आज सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद उनको तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है। इसीलिए रखा जा रहा है कि अगर लंबे समय तक इतनी अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट को रखा तो कुछ ना कुछ परमानेंट हेल्थ डैमेज भारतीय जनता पार्टी उनको करना चाहती है। नहीं बिल्कुल, इस मैटर को हम लॉयर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अक्यूट सिचुएशन है। चाहे वो 8.5 किलो वजन कम होना हो, चाहे वो 5 बार 50 तक शुगर लेवल पहुंचना हो, तो ये बिल्कुल साफ है कि जुडिशियल कस्टडी में उनकी स्वास्थ्य पर बहुत सीरियस डैमेज हो रहा है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़ेगी इस मैटर को हम कोर्ट भी लेके जाएंगे।